गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। क्लास सेवन्थ का हम लोग पढ़ रहे थे अ शैडो, तो आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा देती हूँ, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि शंभू एक लड़के का नाम था जो कि अपनी माँ से पैसे मांगता है ताकि वो अपने पापा की पिक्चर दे सके जो कि इस दुनिया में अब नहीं है। वो बार बार अपनी माँ को बोलता है कि पिक्चर देखने के लिए थिएटर में उसे जाना है जो कि घर के पास ही था, लेकिन उसकी मम्मा जो थी वो नहीं जाती है। उसकी माँ सोचती थी कि शायद प्रोड्यूसर जो है जो रिलीज़ जो फिल्म करने से पहले उसकी थोड़ी फीलिंग्स को समझेंगे, क्योंकि अब उसके पापा इस दुनिया में नहीं है, उसके पति नहीं है, शंभू के फादर की बात कर रहे हैं हम और उसके हस्बैंड की बात कर रहे हैं कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी फिल्म रिलीज़ कर दी। तो बेटा जो है वो ज़िद करता है, कहता है कि मैं मतलब पापा को देखूंगा, और बेटे को ये नहीं पता कि उसके बाप जो है वो इस दुनिया में अब नहीं है। तो आगे की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है, द होल ऑफ द नेक्स्ट डे शंभू वॉज इन ग्रेट एक्साइटमेंट इन हिज क्लास रूम। वेन एवर हिज मास्टर टुक हिज आईस ऑफ फिल्म फॉर अ मोमेंट, ही लर्न ओवर एंड विस्प टू हिज नेबर, माई फादर वॉज पेड 10,000 rupees टू एक्ट इन दैट फिल्म। आई एम सीइंग इट वॉज इट दिस इवनिंग। आर यू नॉट यू ऑल्सो कमिंग टू सी कुमारी, हिज फ्रेंड्स नीड, ही हेटेड तमिल पिक्चर, आई वॉन्ट इवन पास दैट वे। दूसरे दिन जब शंभू अपनी क्लास में जाता है तो वो अपने फ्रेंड उसके साथ में नेबरिंग में जो उसके साथ वाला फ्रेंड होता है वो उससे थोड़ी सी विस्परिंग मतलब थोड़े से फुसफुसाते हुए कहता है कि जब उसके मतलब टीचर का ध्यान थोड़ा आगे पीछे होता है तो फटाफट से उसके कान में कहता है कि तुम मेरे साथ शाम को चलोगे थिएटर में मेरे पापा की मूवी जो चल लगी हुई है देखने के लिए। और कहता है कि पता है इस पिक्चर के लिए मेरे पापा को 10,000 rupees मिला था इस एक्टिंग करने के लिए, तो शाम को चलोगे। तो उसके जो और फिल्म का नाम होता है कुमारी, तो कहता है उसके जो दोस्त कहते हैं नहीं हम नहीं देखते, हमें तमिल पिक्चर से हेट, मुझे हमें पसंद नहीं है। दिस इज़ नॉट लाइक अदर तमिल फिल्म, मतलब कि बाकी तमिल पिक्चरों की तरह नहीं है। माई फादर यूज टू रीड अ स्टोरी एवरी नाइट, इट इज़ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, ही रीड द होल स्टोरी हिमसेल्फ, ही वॉज पेड 10,000 rupees फॉर राइटिंग एंड एक्टिंग, आई विल टेक यू टू पिक्चर इफ यू आर ऑल्सो कमिंग। नहीं, कि बाकी पिक्चरों की तरह नहीं है तमिल पिक्चर, मेरे पापा ने खुद लिखी है ये स्टोरी, और इस स्टोरी के लिए मेरे पापा को जो है 10,000 rupees मिले हैं, तो तुम मेरे साथ आओगे, आई वॉन्ट टू सी ए तमिल पिक्चर। तो उसके फ्रेंड जो कहते हैं दिस इज एन ऑर्डिनरी तमिल पिक्चर, इट इज़ गुड एंड इंग्लिश पिक्चर, तो वो कहता है कि आप तुम ये पिक्चर देखना, ये पिक्चर जो है ये अलग से मतलब अलग है जैसे कि बाकी इंग्लिश की पिक्चर्स होती है। बट शंभू फ्रेंड वॉज एडम, उसके जो दोस्त है वो तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो शंभू क्या है, शंभू जो है अकेला ही जाता है पिक्चर देखने के लिए, और वहाँ पर जब वो पहुँचता है तो वो देखता है कि बहुत ही प्यारा म्यूजिक और बहुत ही मतलब कि फिल्म जो है वो स्टार्ट हो गई होती है। शाम को जब वो जाता है देखने के लिए तो अपने मतलब कि जब वो क्या देखता है कि नहीं कोई भी नहीं जा रहा है, तो वो क्या करता है, वो नहीं जाता। उसके फ्रेंड कहते हैं हम तो उस जिस थिएटर में ये पिक्चर लगी है हम तो उस थिएटर में जाते भी नहीं है, हम तो वो रास्ता भी छोड़ देते हैं, वो मतलब वो थिएटर भी अच्छा नहीं है और हम नहीं जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, शंभू शाम को जाता है पैसे लेके और फोर आना लेके आता है और बैठ जाता है वहाँ पर पिक्चर देखने के लिए, वेट करता है और स्टार्ट हो जाती है पिक्चर, तो वो देखता है। द हॉल डार्क, शंभू सेट थ्रो द ट्रेलर एंड द स्लाइड एडवर्टाइजमेंट विदाउट इंथ्यूजिंग। आफ्टर ऑल हिज फेदर केम ऑन द स्क्रीन, ही वॉज वियरिंग जस्ट द धोती एंड शर्ट, ही यूज वेयर इट एट होम। थोड़ी देर के बाद जो है और हॉल में अंधेरा हो जाता है, तो शंभू जो है वो देखने के लिए बहुत ही उत्सुक मतलब कि बहुत ही एक्साइटमेंट होता है। तो स्टार्ट होती है, उसके पापा की एंट्री होती है, जैसे वो घर में धोती और शर्ट पहनते थे सेम वैसे ही वो पहन के सामने आते हैं और एक छोटी सी लड़की से बात करते हैं और उसे बोलते हैं एक मैथ का क्वेश्चन उसको पुट करने के लिए देते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि अगर रमा अ कार्टमैन वॉन्टेड टू अनास पर माइल, रमा हैज थ्री एंड ऑन हाउंड ऑन हैंड, उसके हाथ में सॉरी हाउ फार विल दैट कैरी मैन दैट कार्ट मैन कैरी हैम, द कर्ल चीट हर स्लेट एंड पेंसिल ब्लिंक। अब वो सोचता है कि मेरे पापा भी मुझसे इसी तरह के क्वेश्चन पुट करते थे और ऐसी ही बात करते थे। वो अपने मन ही मन बोलता है कि कुमारी को बोलता है कि ये इस कुमारी जो है वो उसी लड़की का नाम है, वो फटाफट से बोलता है कि इसका जवाब दो जवाब दो। तो वो लड़की जो है उसका बिल्कुल राइट आंसर देती है, फादर वाज डिलाइटेड, और वो बहुत फादर जो है वो कहता है वो खुश होता है कि हाँ ये बिल्कुल सही जवाब है। और वो अपने मन में सोचता है कि जब मैं अपने घर में भी इसी तरह के मेरे पापा मुझे सम कोई भी देते थे तो मैं जब जवाब देता था तो वो बिल्कुल इसी तरह से खुश होते थे।
और क्या बोलते हैं वो खुशी के मारे उनसे गले लग जाते थे. द वेन द फिल्म एंडेड एंड द लाइट वर स्विच्ड ऑन, जब फिल्म ख़त्म हो जाती है सारे मतलब कि जो लाइट्स है वो ऑन हो जाती है, शंभू जो है वो उसी फिल्म में खोया होता है. वो कहता है कि शायद उसके पापा जो है वो शायद बाहर आएंगे और उसके पापा, लेकिन उसके पापा तो उस दुनिया में नहीं है. वो फटाफट से घर जाता है. ही रैन होम, हिज मदर वॉज वेटिंग फॉर हिम एट डोर. उसके जो मम्मी है उसका इंतज़ार कर रही होती है. 9 बजे आते हैं रात के, तो वो बहुत ही लेट होता है. अब वो कहता है कि आई वुड हैव लव्ड इफ पिक्चर हैज़ लास्टेड इवन लॉन्गर, यू आर प्रिजर्व मदर, वाई वॉन्ट यू सी थ्रू ओली हैड डिनर है कीप टॉकिंग एग्जैक्टली एज फादर यू सींग एग्जैक्टली एज ही यूज वॉक एंड एग्जैक्टली. रात को जब वो फिल्म देख के वापस आता है, उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होती है, तो वो फटाफट से अपनी माँ को बोलता है तुम बहुत बुरी माँ हो, तुम बहुत अच्छी माँ नहीं हो, तुम क्यों नहीं पापा की पिक्चर देखने जाते हो. जब वो खाना भी खा लेता है रात को, तो तब भी सोते हुए भी वो यही बात करता रहता है कि पापा जो थे वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से गाते थे, पापा जो थे एग्जैक्टली इसी तरह से काम करते थे, चलते भी वैसे ही थे, सेम वैसे ही. तो आज के लिए ये इतना ही पैराग्राफ. कल नेक्स्ट मीटिंग में मैं इसको थर्ड इसका हम चैप्टर पढ़ेंगे जो कि लास्ट होगा. तो चलिए, ओके बाय.